है एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट बुक में से चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। सो ये स्टोरी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई, और ये स्टोरी में एक बंदर के बारे में बताया हुआ है, एक मंगे के बारे में बताया हुआ है जो बहुत ही मिचविस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और वो कैसे जो स्टोरी टेलर हैं, मतलब जो एक एक बॉय है, वो अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी बता रहा है कि कैसे उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से उस बंदर को ख़रीदा, एंड देन एट द एंड ऑफ स्टोरी उस बंदर को वापस करके आते हैं वो। तो हम इसमें पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट? पेट होता है एक पालतू जानवर। क्या आपने कभी भी एक छोटे से मंकी, मतलब बंदर के बच्चे को एक पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। तो टोटो जो है, जो मंकी का नाम है, वो एक छोटा बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चिवस और डोसाइल। मिस्चिवस होता है शरारती, और डोसाइल रहता है मतलब जो आज्ञाकारी, जिसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ से ख़रीदा था? एक टोंगा ड्राइवर के पास ख़रीदा था। टोंगा ड्राइवर मतलब जो कि एक बैम्बो कार्ट चलाते हैं, वो उसको कहते हैं, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाई टू अ फेरिंग ड्रॉ। जो टोंगा ड्राइवर था वो मंकी को कहाँ पे रखा था? बांध के रखता था। किधर? फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो होता है एक टाइप का कंटेनर जहाँ पे आप एनिमल्स को खाना डालते हो, उसको कहते हैं ट्रो। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जो वो मंकी था, वो ग्रैंडफादर को इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि, और वो अपनी जगह से ना, मतलब इधर उधर देख रहा था, झांक रहा था और इधर उधर भाग रहा था, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि वो उस मंकी को ना अपने उन्होंने एक प्राइवेट जू बनाया हुआ था जिसमें वो अलग अलग तरह के डिफरेंट एनिमल्स रखते थे, तो उसमें उसको ऐड करेंगे वो। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो जो था एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विद मिस्चीव्स बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें थी, ब्राइट मतलब चमकीली आँखें थी, वो मिस्चिवस शरारत भरी थी। बीनीथ के नीचे डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो बोहे हैं उसके नीचे उसकी जो आँखें थी वो बहुत ही शरारतीपन से भरी हुई थी और वो चमक रही थी। एंड हिज टीथ्स उसके दांत विच वर पर्ली वाइट, जो मोती की तरह, पर्ल मतलब मोती, और वाइट मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। वो कई बार क्या करता था, मुस्कुराता था इस तरीके से, दैट फ्राइटेड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। जो कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी उनको डरा देता था, जो बूढ़ी औरतें थी उनको डरा देता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ फॉर मैनी ईयर्स। बस उसके जो हाथ थे वो इतने सूखे हुए लग रहे थे कि जैसे उसको कि ना धूप में सुखाया हुआ है बहुत टाइम के लिए, जैसे पिकल होते हैं ना अचार, उसको धूप में सुखाने के लिए रखते, वैसे उसके हाथ लग रहे थे जो धूप से सूख गए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन उसकी फिंगर्स, उंगलियां जो थी वो क्विक मतलब बहुत ही तेज़ी से चलती थी। एंड विकेड, विकेड होता है एक तरह से शरारती ही को ही कहते हैं विकेड। एंड हिज टेलर की पूछ वेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। गुड लुक्स मतलब जिससे वो अच्छा दिखे। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवनस गुड लुक। जो उसके दादाजी के, वो ऐसे कहते हैं कि जो टेल होती है, पूछ होती है, वो बंदरों का गुड लुक होता है, मतलब उससे बंदर जो है वो सुधर दिखने लगते हैं। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, जो कि वो तीसरा हाथ भी होता है उनका, क्योंकि बंदर जो है ना अपनी पूंछ से एक जगह से दूसरी जगह पर लटक जाते हैं टहनियों से, तो वो उनका तीसरा हैंड भी माना गया है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेस। वो उसको यूज़ करता था, प्रयोग में लाता था ब्रांच शाखा से टहनी से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। एंड कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप मतलब झट से पकड़ लेना किसी चीज़ को, और डेलिकेसी होता है मतलब बहुत ही निपुणता से, बहुत ही कुशलता से, जैसे वो चीज़ें वो पकड़ लेता था जो उसके हाथ से दूर होती थी अपनी पूंछ की मदद से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर जो थी वो मतलब फर्स्ट मतलब बात का बतंगड़ बना देता, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देता, तो वो नाराज हो जाती थी कि जब भी मेरे दादाजी कोई बर्ड को, कोई नए पक्षी को या पशु को लेके आते थे जू में। सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये निर्णय लिया गया कि टोटोज प्रेजेंस, टोटो की जो उपस्थिति है वहाँ पे, शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। वो एक सीक्रेट मतलब एक रहस्य रखा जाएगा, उनको नहीं बताया जाएगा, मतलब
फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. मतलब उनका जब तक अच्छा मूड नहीं होता ना कि वो कि टोटो को एक्सेप्ट कर सके, तब तक टोटो की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल. दादाजी ने और मैंने क्या किया, हम लोगों ने उसको दूर मेरा जो बेडरूम था, मेरा जो शयनकक्ष था, वहाँ के जो विंडो थी उसके पास में उसको रख दिया. वे ही वॉज टाइड, उसके पास में उसको बांध दिया, जहाँ पर वो बहुत ही सुरक्षित ढंग से सिक्योरली, मतलब सुरक्षित तरीके से उसको बांध दिया. और सो वी थॉट, और हमने सोचा टू पैग फासन इन टू द वॉल. पैग होता है खूटी, और खूटी मतलब बहुत ही मजबूती से खूटी से उसको बांध देना जो वॉल पे, मतलब दीवार पे लटकी हुई है, उससे बांध देते हैं उसको. अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम लोग वापस आए मैं और दादाजी टोटो को वहाँ से देखने के लिए, वहाँ से उसको बांध दिया था तो उसको रिलीज़ करने के लिए जब हम आए, वी फाउंड, हमने पाया दैट द वॉल्स जो दीवारें हैं विच हैड बिन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, की जो दीवार थी वो कवर की गई थी, बस उसको ढका गया था ऑर्नामेंटल पेपर, मतलब जो आभूषण की तरह के जो गोल्डन पेपर होते हैं ना, उनसे उनको कवर किया हुआ था ग्रैंडफादर द्वारा. नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, पर अब जो क्या है, वो जो पूरी दीवार का पेपर जो है वो हटा दिया गया है, और अब जो उस दीवार पे क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक, मतलब ईंटें दिख रही हैं, और जो प्लास्टर है, मतलब जो पलस्तर है उसका, वो दिख रहा है और कुछ नहीं है. द पेग इन द वॉल, जो खूटी थी जो वॉल पे थी, दीवार पे जो खूटी थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, तो उसको रेंच मतलब झटके से खींचना, उसको खींच दिया गया था फ्रॉम इट्स सॉकेट. सॉकेट होता है किसी भी कोई भी जगह जो चीज़ रखी जाती है उसका जो प्लेस होता है उसको कहते हैं सॉकेट. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का कोट था विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स. श्रेड मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था. आई वंडर्ड, मैं हैरान था, वॉट ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी जी हैं वो क्या कहेंगी इस चीज़ पर, तो वो शॉक हो गया था. बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर जो मेरे दादी जी थे वो इस बारे में चिंता नहीं कर रहे थे. He seemed pleased with Toto's performance. उनको ये लोग मतलब वो बहुत ज़्यादा प्लीज मतलब खुश थे, वो खुश थे कि टोटो ने जो ये प्रदर्शन किया है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. इज क्लेवर, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही चालाक है, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने बोला कि क्लेवर है, वो तो चालाक है, चतुर है, देखो इतना शरारतीपन कर दिया उसने. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू रोप, उसने कहा कि थोड़ा समय दो, मैं सोच सकता हूँ कि जो उसने तुम्हारा जो ब्लेजर फाड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं, उससे वो क्या करेगा, एक रोप, एक रस्सी बना लेगा. एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी की मदद से वो अपनी मतलब बच निकलेगा, विंडो से बाहर निकल जाएगा, कूद जाएगा. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो अनुपस्थिति टोटो की वो अभी भी एक सीक्रेट ही था, एक रहस्य था. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब जो टोटो को था वो ट्रांसफर मतलब उसको एक दूसरी जगह पे धक दिया गया था. कहाँ पे, एक बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में, जहाँ पे सर्वेंट्स लोग रहते थे, वहाँ पे वेयर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहाँ पे जो ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स जो थे, पालतू जानवर थे, वो एक साथ मतलब मिलजुल कर सोशली टुगेदर, मतलब एक साथ मिलजुल कर मिलनसार रहते थे. टोटो इस था वहाँ पे, अ पेयर ऑफ रैबिट थे, अ टेम स्क्वायरल थी, टीम मतलब पालतू, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरी गोट भी थी वहाँ पे, बकरी भी थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था वो नहीं सोने देता था एनी ऑफ कंपेनियन का मतलब साथी, अपने किसी भी साथी को, जो तीनों चारों थे, टॉर्टोइस था, रैबिट था, स्क्वायरल थी और गोट थे, उसको नहीं सोने देता था, पूरी रात वो मस्ती करता था. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, इसलिए ग्रैंडफादर जो थे, मतलब दादाजी थे, जिनको देहरादून जाना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी जो पेंशन है उसको लेने के लिए, इन सहारनपुर, जो कि सहारनपुर में है, देहरादून के सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने निर्णय ले लिया कि टोटो जो है यहाँ पे बहुत शरारत करेगा, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप,
दुर्भाग्यवश मैं ना अनफॉर्चुनेटली मैं दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं कंपनी मतलब उनके साथ नहीं जा सका उस ट्रिप पे उस यात्रा पे, बट ही टोल्ड मी लेकिन उन्होंने बताया अबाउट हिज आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में उन्होंने मुझे इस बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा जो है कैनवस का बैग था जिसको पाल भी कहते हैं वो लिया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, स्ट्रो मतलब भूसा घास फूस उसके नीचे ना बॉटम में तलहटी में घास फूस लगाया गया। बिकेम हिज न्यू अबॉड, जो उसका एक न्यू अबॉड अबॉड होता है निवास स्थान जगह। वेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया देर वॉज नो एस्केप, वहाँ पर थोड़ी भी जगह नहीं थी कि टोटो उससे बच निकलेगा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो जो है अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था वहाँ की जो ओपनिंग थी जो खुला था वहाँ से। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो कैनवस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था अपने दांतों से। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर, उसका सिर्फ और सिर्फ प्रयास क्या हो सकता था अगर वो बैग को रोल करे मतलब बैग जो है बार बार रोल हो बार बार फ्लोर पे फर्श पे और या फिर वो जंप करके हवा पे जंप कर करके उससे बाहर निकल सकता था और कोई तरीका नहीं था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड, एग्जीबिशन एग्जीबिशन होता है प्रदर्शन या फिर नुमाइश, दैट अट्रैक्टेड जिससे लोग बहुत आकर्षित हो गए थे। अ क्यूरियस क्राउड, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु जो जानने चाहती है किसी चीज़ को, क्राउड होता है भीड़ और ऑनलुकर होता है दर्शक जो वहाँ पे देख रहे थे सारी चीज़ें। देहरादून रेलवे स्टेशन पर टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर ए सहारनपुर, सहारनपुर तक तो टोटो जो है बैग में ही रहा। बट वाइल्ड ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब टर्नस्टाइल मतलब पगडंडी से जो रास्ता निकलता है ना उसको कहते हैं, उसकी जो खिड़की होती है घुमावदार खिड़की उसको कहते हैं टर्नस्टाइल, तो वहाँ पे जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट जो है वो दिखा रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, टोटो ने अपना जो सिर है उसको निकाला एकदम से ऑफ द बैग आउट ऑफ द बैग बैग से एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और वाइड ग्रीन मतलब जो बहुत ही दांत दिखा कर हंसना, तो उसने ना वो अपना बैग अपना सर निकाला और जो टिकट कलेक्टर था उसको देखने लग गया। द पुअर मैन वॉज टेकन बैक, जो आदमी था जो टिकट कलेक्टर था वो एकदम से पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो उसने अपना दिखाया मतलब थोड़ा प्रेजेंस दिखाया अपने माइंड का। एंड मस्ट टू ग्रांट फॉर द अनोयंस ही सेड, और ज़्यादा चिढ़ मतलब एनोयंस मतलब चिढ़ ज़्यादा चिढ़ और ज़्यादा मुसीबत ना दिखाते हुए उसने ग्रैंडफादर से बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके साथ में एक डॉग है कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो आपको इसके अनुसार आपको इस डॉग के लिए भी पे करने पड़ेंगे पैसे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। इन वेन मतलब जल्दी में, ठीक है, इन वेन मतलब व्यर्थ में ना जो ग्रैंडफादर टोटो को बैग से बाहर निकालते और उसको बताते कि ये मंकी नहीं है, ये डॉग नहीं है, एक मंकी है, और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और क्वाड्रप्ट मतलब होता है चार पैर का जानवर, ठीक है। टोटो वॉज क्वालिफाइड ए डॉग बट बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो जो है वो एक डॉग बता दिया गया था टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड ₹3 वॉज सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसकी फेयर के मतलब उसके भाड़े के ₹3 लिए गए थे टोटो के भाड़े के लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज आर्न बैक, फिर ग्रैंडफादर जो थे वो अपने पीछे जो अपनी बैग है कमर है उसके पीछे कुछ लेने के लिए उसने अपने हाथ पीछे किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टोटोइज, और उनका जो टोटोइज था उनका जो पालतू जानवर था उनको उससे बाहर निकाला अपनी पॉकेट से अपनी जेब से एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स, क्योंकि तुम हर जानवर के लिए पैसे ले रहे हो तो मुझे ये बता दो कि इसके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, जो टिकट कलेक्टर था उसने बहुत ही ध्यान से उस टोटोइज को देखा। प्रॉडेड इट विद हिज फोर फिंगर, फोर फिंगर मतलब आपकी तर्जनी जो उंगली होती है उसको कहते हैं,
और उसने प्रोडेड, प्रोडेड मतलब उकसाना, ठीक है, गेव ग्रैंडफादर प्लीज्ड, उन्होंने ग्रैंडफादर को एक खुशी से देखा एंड ट्रम्पेंट लुक एंड सैड, और ट्रम्पेंट लुक, ट्रम्पेंट मतलब एक जैसे कोई विजय हासिल कर लेते ना उस तरीके से उन्होंने देखा और कहा नो चार्ल्स नॉट ए डॉग, नहीं इसके कोई पैसे नहीं है क्योंकि कुत्ता नहीं है एक। हेयर इज अ टिकट कलेक्टर एंड हेयर इज अ ग्रैंडफादर एंड हेयर इज अ मंकी, यू कैन सी, एंड यू नो मंकी जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं, दे कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो जो है वो अंततः grandfather, grandmother के द्वारा accept किया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया दादी ने जब टोटो को, तो उसको एक आरामदायक घर में दे दिया गया in the stable, stable होता है अस्तबल में जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पे। Where he had for a companion the family donkey, जहाँ पे उनका एक साथी था एक donkey, जिसका नाम था नाना। On Toto's first night, Toto की जो पहली रात थी वहाँ पर stable अस्तबल में, grandfather paid him a visit, grandfather जो उसको देखने के लिए गए to see if he was comfortable, ये देखने के लिए कि वो आराम से वहाँ पर है या नहीं। To his surprise, और वो हैरान हो गए वहाँ पर देखने के लिए, he found नाना, उनको दिखा नाना जो है without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। उनको क्या लगा कि जो नाना है बिना कोई परेशानी के पुलिंग, पुलिंग मतलब खींच रही है हर हेल्टर, हेल्टर क्या होता है जो लगाम होती है ना उसको, जो उनकी लगाम होती है ना घोड़े की डंकीज की उनके, उसको खींच रही है एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपना जो सर है उसको कीप मतलब रख रही है कहाँ पे, एज फार एज पॉसिबल उसको दूर रखने की कोशिश कर रही है फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, हे होता है सूखी घास, उसका जो बंडल उसे दूर कर रही है अपने हेड को। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप, इस बात पे ग्रैंडफादर, नाना जो है वो एक फीमेल डंकी थी तो उसको ने उनको एक स्लैप मारा अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब उसके जो सामने का जो हिस्सा होता है ना, सामने वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हॉन्चेस, वहाँ पे उन्होंने एक स्लैप, एक थप्पड़ मारा एंड शी जग्ड बैक, और वो फिर से एकदम से झटके से खड़ी हो गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, ड्रैग मतलब खींचना, टोटो को अपने साथ खींच कर, ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टिथ, और उसने क्या किया उसने जल्दी से, बहुत ही जल्दी से मतलब बहुत ही मजबूती से उनका, उसका जो तो नाना जो डोंकी है उसका जो कान था उस पर अपने दांत हैं उनसे उसको काट लिया, बाइट कर लिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अ ग्रेट ट्रीट फॉर नाना ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब टोटो को जो है ना एक बहुत ही अच्छी ट्रीट, एक बहुत ही अच्छी उसकी तरफ दारी हो रही थी, और उसको क्या दिया गया मतलब ठंड में उनको ना एक बॉल, बड़ा सा बॉल मतलब बड़ा सा प्याला दिया गया था जिसके अंदर, जिसके अंदर टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। He would cunningly test, cunningly मतलब बहुत ही चलाकी से वो टेस्ट करता था कि पानी जो है टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, विद हिज हैंड अपने हाथ से, देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और फिर धीरे से नहाने के लिए जाता था। फर्स्ट वन फुट पहले एक पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे करते हुए देख लिया था। बंदर जो है वो कॉपी कैट होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं आपको। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप फॉर हिज नेक, और फिर वो धीरे धीरे जैसे एक पहले एक पैर रख दिया फिर दूसरा पैर रख के, और फिर उसने पूरा पानी जो है उसकी नेक तक नहीं आ गया तब तक वो अपने अपने आप को पूरा उसमें डुबा लेता है। वंस कम्फर्टेबल, एक बार आराम से फील होने के बाद, ही वुड टेक द सॉप, साबुन को अपने हाथ में लेता है इन हिज हैंड्स, और फिर अपने हाथ और पैर पर रगड़ लेते हैं एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, रब मतलब रगड़ना, और अपने हर जगह रगड़ लेता है उसको। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ए कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो इतनी तेज़ भागता है जितना तेज वो भाग सकता है, और उस पानी को जो किचन में रसोई में जो आग जल रही होती थी वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him, जब भी कोई उस पर हंसता है during this performance, इस टाइम के दौरान जब वो नहाता है भाग के जाता है अपने आप को ट्राई करने के लिए, तो इस दौरान कोई भी उस पर हंसता है तो टोटो's feeling would be hurt, और टोटो जो है वो हर्ट हो जाता है, वो बेचारा दुखी हो जाता है, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो मना कर देता है नहाने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव।
सक्सीडिंग मतलब कामयाब हो जाना। एक दिन जो टोटो कामयाब हो जाता है अपने आप को जिंदा जलाने के लिए, क्या करता है वो, अ लार्ज किचन कैटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी। एक बड़ी सी जो किचन में केतली जो थी वो आग पर रखी हुई थी चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, वो टोटो को लगा कि इससे अच्छा कुछ करने के लिए है ही नहीं, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। उसने क्या किया, लीड जो था उसका ढक्कन जो था उसको हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने पाया कि जो पानी है वो मतलब इतना पर्याप्त है, नहाने के लिए काफ़ी है। ही गॉट इन, उसके अंदर जाके बैठ गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसका सर जो था वो बाहर निकला हुआ था उस कैटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए ठीक था, अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉइल, जब तक पानी जो है वो उबलना शुरू नहीं हो गया तब तक। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल अप, और टोटो जो है अब थोड़ा सा ऊपर उठाया उसने अपने आप को, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसको लगा कि बाहर जो है ना ठंडी है। सेट डाउन अगेन, और फिर से बैठ गया उधर। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, हॉपिंग मतलब बाहर उछलना, बाहर उछल के आना फिर नीचे बैठ जाना, फिर उछल के आना फिर नीचे बैठ जाना, मतलब एक टांग पर कूदते रहना, उसको कहते हैं होपिंग। वो कुछ टाइम तक वो ऐसे करता रहा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि जो दादी जो है वो आ नहीं गई और उसने उसको उनको होल्ड हिम मतलब खींचना, उसको ऊपर ने खींच लिया। हाफ बॉइल, वो आधा उबल चुका था आउट ऑफ द कैटल। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर कोई ब्रेन का हिस्सा जो है, कोई भी उसका बंदर का जो कोई भी दिमाग का जो हिस्सा जो है वो डिवोटेड मतलब पूरी तरह से ना शरार से भरा हुआ है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वो पार्ट जो है पूरी तरह से मतलब अगर दिमाग का कोई भी हिस्सा हो ना जिसमें शरारत हो, तो वो सारी की सारी शरारतें वाला दिमाग जो है ना टोटो के अंदर भरा हुआ है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा जो चीज़ें हैं उनको टीयर मतलब फाड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट, मेरी चाची है या फिर बुआ है कोई भी है, वो उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, और वो हर प्रयास करता था कि उनकी ड्रेस जो उसको पकड़ लिया जाए और उसमें एक छेद कर दिया जाए। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम जब हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, तो वहाँ पे पुलाव बने हुए थे, स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल के बीच में रखे हुए थे। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हम जब प्रवेश किए डाइनिंग रूम में, तो हमने देखा जो टोटो जो है वो उसने अपने आप को पूरा राइस है उसमें भर लिया है, उसने उसमें बैठ गया जाके। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, जैसे मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट, टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी। पर ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और जब मेरी एक आंट है, चाची या फिर बुआ जो भी है, वो आगे बढ़ी वहाँ पर जाने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो छोटो ने क्या किया, उनके मुंह पर एक ग्लास का, एक पानी का ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने जल्दी से किया क्या, जो सारी जो पुलाव थे उसकी जो प्लेट थी उसको उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, जल्दी से बाहर कहाँ गया, विंडो खिड़की से बाहर जल्दी से चला गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और उसने हमने देखा कि वो जो जैक फ्रूट है उसकी उसकी ब्रांच उसकी टहनी पर जाके बैठ गया है। द डिश स्टिल इज इन हिज आर्म्स, उसकी जो आर्म्स है उसकी जो बाजू है उसके हाथ में अभी भी जो डिश है वो रखी हुई है। रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक वो वहीं पर बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, धीरे धीरे राइस खा रहा था, डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसको डेटरमाइंड मतलब वो पूर्ण रूप से उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक एक जो दाना है उसको खाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और इस चीज़ के बावजूद भी कि जो दादी है उन पर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने जो डिश थी वो सारे जो बर्तन था प्लेट थी उसको क्या किया, उसको वहीं से ऊपर से ब्रांच से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद द लाइट एन इट ब्रोक इन टू 100 pieces, और चैटर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना, वैसे चैटर होता है बक बक करना, लेकिन कटकटाना हो गया, जो बंदर है वो कटकट बहुत करते हैं अपने दांतों से, तो वो बहुत ही खुश हो गया, जैसे कि उसके 100 pieces हुए ना उस डिश के, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस चीज़ से। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग,
ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि टोटो जैसे जानवर जो बहुत ही शरारती, जो हर चीज़ को तोड़ता रहता है, हर चीज़ को काटता रहता है, तो ऐसे जानवर जो हैं वो हम पालतू जानवर के रूप में नहीं रख सकते, इसलिए हम उसको बहुत टाइम तक नहीं रख पाते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, अंत जो दादाजी थे उसको भी महसूस हो गया, उनको भी महसूस हो गया वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसेस, क्लॉथ्स, कर्टेन एंड वॉलपेपर। उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ हमें ना बार बार मतलब एफर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सब बार बार खरीदना, क्योंकि जो टोटो हर चीज़ को वेस्ट कर देता था, कपड़े फाड़ देता था, ठीक है, बर्तन तोड़ देता था, कर्टेन्स जो पर्दे हैं उनको ख़राब कर देता था। तो इसलिए जो ग्रैंडफादर, उनको रियलाइज़ हो गया कि टोटो ना इस तरह का जानवर नहीं है जिसको हम रख सकें। सो ग्रैंडफादर, क्योंकि इतना लॉस जो है कोई भी बेयर नहीं कर सकता, सो ग्रैंडफादर फाउंड टोंगा ड्राइवर। इसलिए ग्रैंडफादर ने वापस से उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जहाँ से उन्होंने उसको परचेज़ किया था टोटो को, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और उन्होंने ख़रीदा था 5 रुपये में, और वैसे ही उस टोटो ने इतना सारा नुकसान कर दिया, उन्होंने वापस उसको 3 रुपये में दिया। तो फाइनली जो ग्रैंडफादर, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया टोटो को ख़रीदने में।